एक नया आईपीओ एक बार फिर आ गया है और इस बार चर्चा में है क्योंकि ये काफी समय बाद बैंकिंग सेक्टर का एक आईपीओ आ रहा है। काफी समय हो गया बैंकिंग सेक्टर का कोई आईपीओ आए हुए। क्या खास है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के आईपीओ में? निवेश करना चाहिए इसके अंदर में, भरना चाहिए फॉर्म, नहीं भरना चाहिए? जानते हैं एक्सपर्ट से। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं संतोष सिंह जी। सीधा चलते हैं संतोष जी के पास में, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हैं, क्या है इस आईपीओ के अंदर में, इस कंपनी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, उसके बेसिक्स, उसके फंडामेंटल्स, उसकी हिस्ट्री, और उसके बाद उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आईपीओ भरना है या नहीं भरना है। स्वागत है संतोष सर आज शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार एलेक्स जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। और संतोष जी, ये जो नया आईपीओ है और बड़ा चर्चा में है, क्योंकि कई तरीके, अलग अलग तरीके से बहुत सारे रीजंस हैं, एक एक करके हम लोग उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सीधे से मुद्दे की बात, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, क्या इतिहास है और क्या होने जा रहा है? देखिए, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 100 साल पुरानी है। 1921 में कंपनी एग्जिस्टेंस में आई थी और उस समय नादर बैंक लिमिटेड का नाम था इसका। 1962 में आरबीआई से इनको एक संपूर्ण बैंकिंग का लाइसेंस मिलता है और उसी समय कंपनी अपना नाम चेंज करके तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक रखती है। तमिलनाडु मर्केंटाइल जैसा नाम ही से आपको मिल जाएगी जानकारी कि तमिलनाडु में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। कंपनी का डिपॉजिट्स लोन बुक अगर देखेंगे तो 75% तमिलनाडु से ही है और 25% रेस्ट ऑफ इंडिया से है। इसमें अगर इनके आरएसपी को देखें, जो कि इन्होंने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जो है सेबी के साथ फाइल किया है, उसमें कोई भी आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं दिखते हैं। कंपनी कह लें कि 509 ब्रांचें हैं पूरे भारतवर्ष में और 949 एटीएम्स हैं। 369 ब्रांच इनकी केवल तमिलनाडु में ही है, तो अभी तक फोकस इनका तमिलनाडु में रहा है। कंपनी आईपीओ के जरिए जो पैसा उठाएगी उसमें 1,58,40,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है। 500 से 525 के बीच का प्राइस रेंज है और इसमें 832 करोड़ रुपए कंपनी योजना बना रही है कि इससे उठा सकती है। अब कंपनी जो ये इशू कर रही है वो फ्रेश इशू कर रही है शेयर्स, न कि इसमें से कोई ओएफएस के जरिए कोई भी इसमें इन्वेस्टर्स निकल नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि जो भी पैसा कंपनी के पास आएगा उसको कंपनी बता रही है कि वो अपने टायर वन कैपिटल में, जो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू अगर हम देख लें तो उसमें कंपनी कह रही है कि हम जो भी पैसा उठाएंगे थोड़े से खर्चे में जाते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है सारे पैसे हम अपने टायर वन कैपिटल को स्ट्रॉन्ग करने में, ग्रोथ में यूज करेंगे। और उसके बाद लिस्टिंग का एक लाभ जो कि वैल्यूएशंस का होता है वो भी कंपनी को मिलेगी। कंपनी अपने बैंक का कारोबार, जो इंडिया का प्रॉस्परस रीजन है जिसे हम वेस्टर्न इंडिया कहते हैं, जहाँ पर कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका का रीजन है, वहाँ पर एक्सपैंड करना चाहती है, अपने प्रेजेंस को और ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। उसके साथ आंध्र प्रदेश भी एक रीजन है जो कि काफ़ी ग्रोइंग है, वहाँ पर भी चाहती है। इस पैसे से कंपनी बता रही है कि अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लीवरेज करेगी, जहाँ पर कि खर्चे कम होते हैं और आपको ज़्यादा कस्टमर एक्विजिशंस हो सकते हैं। कंपनी में एक चीज देखने को मिल रही है कि इनका जो मैनेजमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है, उसमें जो पेडिग्री है कंपनी की, उसमें पीएसयू कल्चर काफी जो है सर्वोपरि दिखता है, क्योंकि एमडी और सीईओ जो कि आउटगोइंग हैं वो पीएसयू से रहे हैं, उनका वास्ट एक्सपीरियंस पीएसयू से रहा है और आने वाले भी एमडी एंड सीईओ जिनको कि आरबीआई की मंजूरी मिल गई है वो भी पीएसयू कल्चर से आते हैं। तो कल्चर जो है लगता है बैंक का कि ये पीएसयू बैंकों का रहा है। ऑब्जेक्ट के बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी जो ग्रो करेगी क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं। हमने जैसे कि बात की कि टेक्नोलॉजी में लीवरेज करेंगी और ऐसी जगह पे जहाँ पर कि इंडिया में ग्रोथ है, जिस वेस्टर्न रीजन में, वहाँ से ग्रो करने की कंपनी कोशिश करेगी। और लेकिन लास्ट के 3 सालों में एलेक्स जी, इस बैंक में कोई भी ब्रांच का एक्सपेंशन हमने नहीं देखा है। जैसा हमने बताया कि जितने ब्रांच हैं और मोर और लेस 4,000, 4,500 के करीब इनकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, वो भी अमूमन इन 3-4 सालों में बराबर सी रही है। कंपनी जो व्यापार करती है तो हम हमेशा देखते हैं कि कंपनी का जो रैम होता है, जो मतलब इनकी जो लोन बुक होती है वो किस तरह से है। लोन बुक को समझने के लिए एक एक वर्ड आता है रैम, जिसमें कि
हम कह लें कि रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई, ये तीन सेगमेंट होता है जो कि कस्टमर के सेगमेंट हैं। उस सेगमेंट में कंपनी अपने पूरी लोन बुक का तकरीबन 88% वहाँ पर है और 12% कंपनी का देखेंगे तो कॉरपोरेट कस्टमर्स कंपनी के पास हैं। उन जो 88% का जो लोन बुक एक्सपोजर है कंपनी का, उसमें सबसे ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर्स में कंपनी 37% के आसपास इनके पूरा एक्सपोजर है और एग्रीकल्चर में तक देखेंगे तो 30% के करीब है और वहीं पर रिटेल कस्टमर्स जो हैं कंपनी के 20% के करीब हैं। तो थोड़ा जो लोन बुक है कंपनी का टिल्टेड टूवर्ड्स एमएसएमई है, थोड़ी कमजोर कड़ी है कि अगर इकोनॉमी में किसी भी तरह का उलटफेर होता है, डाउनसाइड रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि एमएसएमई इकोनॉमी की वो थोड़ी कमजोर कड़ी होती है जहां पर कि बिजनेस सस्टेनेबिलिटी थोड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को अगर देखेंगे तो वहां पर हमें काफी अच्छी तरह से ग्रोथ होते हुए नजर आया है। लास्ट के 3 सालों का जो इनकम स्टेटमेंट कंपनी ने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दिया है, उसमें नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि कंपनी ब्याज लेती है अपने कस्टमर से लोन के रूप में, और कंपनी जहां पे जो है जहां से सोर्स ऑफ फंड जो है उनको ब्याज देती है, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। वहां पर 18% का ग्रोथ लास्ट ईयर देखा गया है जो कि उसके पहले 2021 में अगर देखें तो 16% का ग्रोथ है। अदर इनकम पोर्शन बैंकें, वो इनकम होता है जैसे कि क्रेडिट कार्ड कह लें, इंश्योरेंस कह लें, या बैंकिंग की और सुविधाओं को अपने कस्टमर्स तक बेचने के लिए, या गोल्ड लोन कह लें, इस तरह की तमाम चीज़ें बैंक जो है क्रॉस सेलिंग करती हैं सारे प्रोडक्ट्स को, उसमें काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ लास्ट ईयर देखने को मिला है। तकरीबन 28% का ग्रोथ है लास्ट ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 की अगर बात कर लें तो वहाँ 22% रहा है। ये अदर इनकम पोर्शन बहुत ही इंप्रेसिव है बैंक का। और अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात कर लें तो उसमें CAGR के लिहाज से अगर हम देखेंगे लास्ट के 3 सालों में 2020 से लेकर 2022 में अगर देख लें तो तकरीबन 42% के आसपास CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रही है। एक चीज़ और है एलेक्स जी इसमें कि अगर आप देखें कि कोई भी कंपनी अगर IPO लाती है उस साल उसके नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं। ये क्वेश्चन दर्शकों पे है, हम सब पे है कि आखिर ऐसा क्यों है कि IPO में जाती हुई कंपनियाँ अपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को उस साल अच्छा कैसे दिखता है, ये एक क्वेश्चन मार्क है जिसको कि हमें समझना चाहिए और उत्तर जो है आपके अंदर खुद मिलेगा। लेकिन जब कभी भी कंपनी IPO में जाए तो हम उसके 1 साल को नहीं, 3-4 साल के पूरे इनकम स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को पढ़ना चाहिए। और हमें दिखता है कि NPA में बहुत तेजी से सुधार इनको इस साल दिखा है। अगर देखें तो 1% के नीचे NPA आ गया जो कि लास्ट ईयर 1.98% था, और सेम GNPA में भी देखने को मिल रहा है कि इनका जो है 3.44% फाइनेंशियल ईयर 21 में था जो कि घटकर 1.69% के करीब इस साल हो गया है। बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो इनकी लोन ग्रोथ की बात कर लें और डिपॉजिट्स ग्रोथ, तो डिपॉजिट्स में 10.5% के करीब की ग्रोथ हमको देखने को मिली है और वहीं पर लोन ग्रोथ 10% के नीचे रहा, सबड्यूड रहा है। ये साल एक ऐसा साल रहा है एलेक्सी जहां पर कि हमने पूरी इकोनॉमी में लोन ग्रोथ को बढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा देखा है और तकरीबन जो है 10-15% के आसपास लोन ग्रोथ मोस्ट ऑफ द इफिशियंट बैंक्स में हुआ है, क्योंकि इकोनॉमी में कैपेक्स साइकिल काफ़ी बढ़ा है, प्राइवेट सेक्टर कह लें, गवर्नमेंट की सेक्टर की कंपनियों का कह लें, तो सारे लोग लोन ले रहे हैं, इवन रिटेल में भी लोग लोन काफ़ी ले रहे हैं। लेकिन ये बैंक में थोड़ी चीज़ ये देखने को मिला है कि 10% के नीचे इनका लोन ग्रोथ है जो कि मतलब इनके पीएस से कह लें कम है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क उठता है। और कासा रेशियो जिसको कि हम बहुत काफ़ी नज़दीक से देखते हैं बैंक के इंटरनल में, क्योंकि कासा रेशियो वो रेशियो होता है जबकि बैंक जब कभी भी डिपॉजिट्स और एडवांसेस को हम देखते हैं तो कौन जहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है वो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से होता है, पूरे डिपॉजिट्स का 30.5% के आसपास कंपनी के पास कासा रेशियो है, जो कि अगर बड़ी बैंकों में हम देखें जो कि ऑल ओवर इंडिया जिनकी प्रेजेंस है, आप SDFC की कह लें, ICICI की कह लें, तो ये 40-50% के अंदर होवर करता है जो कि इस बैंक में थोड़ा कम दिख रहा है।
चूंकि इस साल जो है बैंक ने काफी अच्छा किया है, तो रिटर्न ऑन एसेट्स बैंक की अच्छी दिख रही है, 1.66%, ये सुपीरियर नंबर्स दिख रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.5% के करीब रही है और कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी कंपनी का अच्छा रहा है। लेकिन ये इस साल का है, जैसे मैंने कहा कि हमको लास्ट के 2 सालों में देखना चाहिए, तो वहां पर रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर बात कर लें तो 2020 के फाइनेंशियल ईयर में 0.99% रहा है और लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 21 में वो 1.3% रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन इस साल काफी ज्यादा है। रिटर्न ऑन बैंकों के वैल्यूएशंस में रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इस साल कंपनी ने बहुत ही अच्छे अच्छे नंबर्स कह लें फैब्रिकेट हुआ है, क्या हुआ है डोंट नो, ये दर्शकों पर मैं छोड़ता हूँ कि ये क्या नंबर्स है जो कि इस साल इतने अच्छे आए हैं। अब बात करते हैं कि रिलेटिव वैल्यूएशन, जब कभी भी हम किसी भी चीज़ के वैल्यूएशंस को आंकने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि सिमिलर एसेट्स सिमिलर चीज़ें क्या भाव में उपलब्ध है मार्केट में। तो अगर हम कंपैरिजन कर लें एडवांसेस और डिपॉजिट्स की पहले कि किस तरह के रहे हैं, तो हम इनके जो जो सबसे नियरेस्ट हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो छोटी बैंकें हैं और बड़ी बैंकें हैं, रीजनल कॉन्सेंट्रेशन है, तो इनके जो एकदम नियरेस्ट पीयर हैं वो हैं सिटी यूनियन बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक और फेडरल बैंक। मुझे लग रहा है कि अगर आप इनके देखेंगे काशा रेशियो का, तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का सबसे कम है, और एडवांसेस की जहां पर तक बात है एडवांसेस ग्रोथ की, तो उसमें कैथोलिक सीरियन बैंक से बैंक का कम आ रहा है, लेकिन फेडरल बैंक से थोड़ा सा ज्यादा है एडवांसेस में ग्रोथ। नेट प्रॉफिट ग्रोथ लेकिन काफी इंप्रेसिव रही है, करूर वैश्य बैंक की अगर पूरे पीयर्स में देखें तो सबसे ज्यादा रही है, 69% के करीब फाइनेंशियल 20 से 22 के बीच में, जहां पर कि तमिलनाडु में मर्केंटाइल बैंक की तकरीबन 42% के करीब रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां तक आती है बात, हम उसकी बात कर लें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन उसमें हम काफी करीब से देखते हैं और 4.1% के करीब तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कि कैथोलिक सीरियन बैंक अगर देख लें तो 5.27%, सिटी यूनियन बैंक की बात कर लें तो 4% के आसपास है, फेडरल बैंक में 3.16% के आसपास दिखता है। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द प्रॉफिटेबिलिटी, कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अगर सस्टेनेबल बेसिस पे है तब बैंक को अच्छे वैल्यूएशंस मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पास वोलेटिलिटी है आपके प्रॉफिटेबिलिटी में तो मार्केट आपको कम करके आंकता है। रिटर्न ऑन एसेट जैसे हम पहले भी बात कर चुके 1.66% तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का है, कैथोलिक सीरियन बैंक में देखें 1.88% है और सिटी यूनियन बैंक में 1.32% है, तो मतलब एक तरह से पीयर्स के आसपास ही है, बहुत सुपीरियर नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात कर लें तो कैथोलिक सीरियन बैंक में 19% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है, 12% सिटी यूनियन बैंक की है और 16% ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो 16% इस साल के नंबर हैं, 16.5%, लेकिन अगर एवरेज नंबर की बात कर लें तो 13% के आसपास है। टायर वन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो भी अच्छा है, मिड कह लें कि अपने पीयर्स के साथ बीच में कहीं ना कहीं दिखता है, जो कि 20.44% के आसपास है। अब सारे इससे पहले आगे चले, एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन कुछ एक चीजें जो मैं देख रहा था, जो अभी हम जिन चीजों पर बात कर रहे थे, एक तो एनपीए अगेन जो आपने बहुत ही एक हल्का सा ग्रे लाइन छोड़ करके आपने वहां पे छोड़ दिया कि एक ड्रास्टिक ड्रॉप डाउन है एनपीएस में, थोड़ा कहीं एक लाइट जलती है, कोई बल्ब जलता है, कुछ संशय होता है, कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। देखिए लेकिन चूंकि अब इसमें देखना पड़ेगा कि ये कितना सस्टेनेबल है बिजनेस जो है, क्योंकि जैसा हमने इनकी बुक्स को देखा कि लोन बुक में 37% एमएसएमई पे है और एमएसएमई वो सेगमेंट था जो कि कोविड के समय सबसे बड़ा हिट हुआ था और सारी चीज़ें बंद हो गई थी, उतने कैपेबल नहीं थे एमएसएमई की अपनी चीज़ों को स्टार्ट कर सकें और उनको ग्रोथ इंजन को वापस से रिस्टार्ट करने में काफ़ी समय लगा, शायद इस साल या लास्ट ईयर जो है थोड़ा अच्छा दिख रहा है, तो इनके पैसे जो डूबत खाता जिसे हम कहते हैं वहाँ थे वहाँ से रिवाइव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन सस्टेनेबल बेसिस पे देखना जरूरी होगा कि ये नंबर्स आईपीओ के लिए तो नहीं लाए गए,
या फिर जो है ये सस्टेनेबल बेसिस, सस्टेनेबल अगर बेसिस पे होगा तो मार्केट जरूर इनको थम्स अप देगा। तो यहाँ पे आप बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे? थोड़ा सा देंगे, लेकिन जैसे कि सारी चीजें देखने के बाद ये लगता है कि मुझे और नंबर्स की जरूरत होगी इसमें, कि इसमें भरोसा बनाया जा सके, तो और नंबर्स देखने की जरूरत, तो वो आपने कहा कि और आगे का इसका सस्टेनेबिलिटी और वाली चीजों पर नजर रखेंगे। अगले सवाल पे आता हूँ सर। साउथ इंडिया का बैंक है, 100 साल पुराना बैंक है, तो सुनने में बड़ा वो लगता है कि 100 साल पुराना बैंक और अब आईपीओ ला रहा है, और बहुत सारे हैं जो कि शायद उतने पुराने नहीं हों, लेकिन अभी आप जो कंपैरिजन बता रहे थे इसका, पीयर कंपैरिजन की बात करें, चाहे वो सीएसबी हो, चाहे वो सीयूबी हो, चाहे वो फेडरल बैंक हो, सर ये अच्छे खासी सिचुएशन में, जिस पोजीशन में हैं और बाजार के अंदर में जिस तरीके का उनका स्टेटस है, जिस तरीके का उनकी ग्रोथ है, बहुत बड़ा भले ही ना हो गए हों, एक अच्छा खासा उन्होंने अपनी जगह बना रखी है इक्विटी के बाजार के अंदर में, लिस्टेड सेगमेंट। क्यों मैं मर्केंटाइल को देखूं और क्यों ना मैं उन पे स्टिक करूं? कोई खास रीजन? क्योंकि आप जो पैनल जो कंपैरिजन दिखा रहे हैं उसमें मुझे बार बार रह रहे करके मुझे लगता है कि शायद वो ज्यादा बेहतर स्थिति में है। जी हाँ, मुझे यही ये लगता है, क्योंकि अगर आपके पास पैरेलल असेट्स या आपके पास इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज इन सिमिलर असेट्स अच्छे दिखते हों, तो आप इस बैंक में क्यों जाएंगे? और यही कारण है कि मैं आपको बता रहा था कि मुझे और नंबर देखने की जरूरत होगी, और ये नंबर्स हमने कई बार देखा है कि आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद नंबर्स फेड अवे हो जाते हैं, तो ये कंपनी का भी कहीं फेड अवे तो नहीं हो जाएगा? कुछ चीज़ें ऐसी तो नहीं है जो कि फैब्रिकेट की गई हो, या फिर नंबर्स के लिए बहुत उद्यम या किया गया हो, बहुत परिश्रम किया गया हो कि हमें इस साल आईपीओ लाना है, तो बहुत सारे लोग को लगा दिया जाता है और काम करती है बैंकिंग, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो वो चीज़ों को देखने के लिए थोड़ा और वेट करना मुझे लग रहा है कि काफ़ी जरूरी होगा। और सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें अगर देखें रखिए, तो मुझे लगता है कि इन सारी बैंकों में फेडरल बैंक काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट होता है, बहुत सारी चीज़ें, और एसेट साइज इनसे डबल है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें मोर देन डबल है, और अगर वैल्यूएशंस भी देखेंगे तो फेडरल बैंक का वैल्यूएशंस प्राइस टू बुक के लिहाज से काफ़ी सस्ता है, एक के पास है, जो कि अगर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जो कि प्राइस हमसे मांग रहे हैं वो 1.4 times ऑफ इट्स बुक वैल्यू मांग रहे हैं, तो वो एक तो मतलब कह लें कि एक्सेसिव वैल्यूएशंस की तरफ मांग रहे हैं, या फिर इनके जो नियरेस्ट पीयर हैं उसके ऊपर मांग रहे हैं, तो हम आपको क्यों दें ये चीज़ें, जबकि बहुत ही जल्दी आपके पास या कह लें कि आपका जो इनकम स्टेटमेंट है और आपकी जो कमाई है बहुत जल्दी बढ़ी है, मैं थोड़ा और वेट करना चाहूँगा कि ये नंबर्स क्या सस्टेनेबल हैं। ठीक है, अगर सर पीयर कंपैरिजन में एसेट क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो कहीं कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो कि मर्केंटाइल तमिलनाडु मर्केंटाइल के फेवर में या तो जाती हो या कहीं कुछ और अलग तरीके की एक इशारा करती हो? देखिए, एसेट क्वालिटी जैसा मैंने बताया कि एसेट क्वालिटी में सुधार जो हमने देखा है वो केवल मतलब एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना और इस बार ही देखा है, कोविड जैसी सिचुएशन से हम उभर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि और हाफ ऑफ दी एसेट जो है इनकी जो जीएनपीए में थी वो ठीक हो गई हैं, एनपीए में भी थी जो हाफ ऑफ दी एसेट्स ठीक हो गई हैं, तो इतना बड़ा सुधार हुआ है तो ये क्या सस्टेनेबल है? ये जो बिजनेसेस को लोन दे रखा है इन्होंने वो क्या होंगी? ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर मेरे मन में आता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी बैंकों को फॉलो करते हैं और बड़ी बड़ी बैंकों में ये चीज़ें ट्रेंड देखने को मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस कह लें, इकोनॉमिक अपटिक है, बहुत सारी कंपनियों को लाभ हो रहा है, तो वो पैसे चुका रही हैं और रेगुलर लोन हो जा रहे हैं जो कि एनपीए थे, तो ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं, लेकिन इस बैंक में सब्सटैंशियल चीज़ें दिखी हैं, तो मुझे लग रहा है कि सब्सटैंशियल जहाँ पे है वहाँ पे हमेशा क्वेश्चन मार्क और बैकफुट पे रहना चाहिए। ठीक है, तो जब सब्सटैंशियल हो जाता है, नहीं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे एक लाइट तो जलती है कि कुछ तो वो है कि एक बार नज़र रखनी चाहिए। अरे सर, मुद्दे की बात पे आता हूँ। पीछे हमने फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में अगर हम बात करें तो पेटीएम जैसी लिस्टिंग देखी है, क्योंकि भले ही एग्जैक्टली बैंकिंग में नहीं आता, कहीं ना कहीं अलाइड, कहीं ना कहीं उसी सेक्टर में मिलता जुलता है। वहाँ पे हमने जो चीज़ें देखी थी, जो परेशानी देखी थी, वो थी वैल्यूएशन। न्यू एज जितनी भी लिस्टिंग्स हैं या ऐसी वाली जितनी लिस्टिंग्स हैं उसमें अक्सर हमने इधर रिसेंट के आईपीओज में एक वैल्यूएशन का इशू देखा है। यहाँ पे वैल्यूएशन को कैसे देखते हैं सर, उसको अगर हम कंपेयर करें तो कितनी जस्टिफाइड दिखती है?
देखिए वैल्यूएशन अलग जी कंपेयर करें, उसके पहले दो रेड फ्लैग्स इसमें आए हुए हैं, अभी उसके बारे में कुछ बात कर लें। रेड फ्लैग्स की जब कभी भी कंपनी आईपीओ में जाती है तो एंकर जो है इन्वेस्टमेंट होता है इसके अंदर आईपीओ के ठीक पहले। कंपनी में जो एंकर इन्वेस्टमेंट आए हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं, उसमें एक तो म्यूटेड रिस्पॉन्स रहा है पूरे कह लें कि इंस्टीट्यूशन के लिहाज से। इसमें दो जो सबसे बड़े एंकर इन्वेस्टर आए हैं वो बजाज फिनसर्व और मैक्स लाइफ हैं। वो दो इन्वेस्टर्स को पूरे एंकर जो अलॉटमेंट की जो साइज थी उसका 55% उनको दिया गया। दूसरी चीज जो इनको अलॉटमेंट प्राइस दी गई वो 510 रुपये पे दिया गया, जबकि कंपनी बता रही है कि 500 रुपये से 525 रुपये का रेंज होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब कभी भी एंकर अलॉटमेंट होता है वो हाईएस्ट प्राइस पे होता है, क्योंकि उससे रिटेल इन्वेस्टर्स या आम निवेशकों को एक प्रोत्साहन मिले कि एंकर इन्वेस्टर्स ने ऊपरी प्राइस में लिया तो हमें भी लेना चाहिए। ये चीजें हुई हैं इसमें। और 55% इन दोनों कंपनियों को क्यों दिया गया? अब सोचें कि ये दो कंपनियां जो हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को मतलब तमिलनाडु बैंक जो है इंश्योरेंस बेचता है मैक्स लाइफ का और इंश्योरेंस बेचता है बजाज फिनसर्व का। इसके कारण एक वेस्टेड इंटरेस्ट जो कि दो पार्टियों में है, इसके कारण इन्होंने 55% अलॉटमेंट कर दिया और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर दूर रहे हैं इससे। तो ये एक रेड फ्लैग है। दूसरा रेड फ्लैग इसमें है आरबीआई के द्वारा इनके इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उसमें कुछ रेड फ्लैग इशू, गवर्नेंस के इशू को मतलब रेज किया गया। 37% ऑफ द इन्वेस्टर्स वो बार्ड, मतलब उनके शेयर्स मार्केट में बेचने को नहीं आएंगे जब तक कि आरबीआई परमिशन नहीं देती है। कुछ रेड फ्लैग्स वहां पे हैं और इस रेड फ्लैग के कारण ये एक तरह से थोड़े दिन के लिए पॉजिटिव भी होगा अलग जी, कि वो लोग इन्वेस्टर्स बेचने नहीं आएंगे, लिक्विडिटी का जो मतलब प्रेशर होगा वो शायद बैंक पे नहीं होगा। लेकिन ये दो रेड फ्लैग हैं और इस रेड फ्लैग के रहते हुए बैंक जो वैल्यूएशन पे शेयर मांग रहे हैं वो अपने पेयर्स से ज्यादा है। 1.4 का जो उन्होंने बुक वैल्यू मांगा है या पी रेशियो देख लें 9 के आसपास मांगा है, और इनके पास जितने भी प्लेटर में जितनी भी बैंकें हैं, अगर फेडरल बैंक की बात कर लें तो बुक वैल्यू 1 है, करीब करीब 1.05 के आसपास मांग रहा है। सीएसबी की बात कर लें 1.38 है और सिटी यूनियन बैंक थोड़ा सा ज़्यादा है 1.45। तो मैं इस बैंक को क्यों दूँ जो सारी चीज़ें अभी सुधर के आई हैं? तो मुझे लग रहा है कि रिजनेबल वैल्यूएशन पे शेयर्स नहीं दिए गए हैं, इसीलिए मैं वेट करना चाहूँगा। और सर दो रेड फ्लैग आपने लगा दिए, तीसरा अगर मैं पूछूं कि ये जो इतने सारे मुकदमे हैं, इतनी सारी लीगैलिटीज, इतने सारे ये जो पूरा मैनेजमेंट और पूरा बैंक 100 साल के अंदर में, ठीक है कि माना कि 100 साल पुराना है तो वो निश्चित रूप से एक लंबा वो है, सफर है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन हर तरीके के मुकदमे, हर तरीके की इन्वेस्टिगेशन, एक और रेड लाइट जलती है सर? डेफिनेटली जलती है जब आप पे मतलब कह लें कि एक तरह से वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी आप पर क्रिएट करती है कि जो फॉल आउट होगा उन मुकदमों का वो क्या हो सकता है। तो वो हो सकता है कि मतलब एक एक बड़ा फॉल आउट हो जाए। इस पे मैनेजमेंट ने भी बहुत ज़्यादा मीडिया में क्लैरिटी नहीं दी है कि क्या क्या है कैसे है, लेकिन मुकदमे काफ़ी हैं। और इवन मतलब आप कह रहे हैं रेगुलेटर की तरफ से भी कुछ अंकुश हैं। ऑल्दो इनके बिजनेसेस में वैसे एज सच कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सेंटिमेंट डेफिनेटली डैम्पन होते हैं इन सारी चीज़ों से। सेंटिमेंट डिपेंड होगा तो सर, प्लस मेरे को वो ट्रिगर जैसे दिखाई देते हैं कि सर कितनी बार कभी भी कुछ होगा, जितनी बार जजमेंट आएगा, जितनी बार कुछ हियरिंग होगी, क्योंकि अब तो लिस्टेड कंपनी होगी तो अब तो सबको पता होगा कि हाँ आज इसके ऊपर में कुछ फैसला हुआ। अभी तक कब क्या हो रहा था किसी को नहीं पता था, 100 साल पहले, 100 साल से कब कब हियरिंग हो रही थी, कब आर्ग्यूमेंट हो रहा था, कब जजमेंट आ रहा था, कुछ नहीं मालूम था, और किसी को मीडिया में कम से कम उस तरीके की चीजें नहीं। लेकिन अब लिस्टेड कंपनी है तो हम भी कवर करेंगे, हर जगह उसके हाईलाइट होगा, बात समझा जाएगा कि आज क्या फैसला आया, आज क्या हुआ, आज क्या आर्गुमेंट हुआ। और हर बार कहीं ना कहीं इन्वेस्टर परेशान होगा कि ये कहीं ना कहीं वो चाहे वो एक वो वाली राइड बन जाएगी जिसको रोलर कॉस्टर राइड बोलते हैं, उस तरीके की चीजें, तो वो और ज्यादा एक कहीं ना कहीं डैम्पनर है, जैसे आप कह रहे थे, डैम्पनर में ऐड करेगा ये। डेफिनेटली मतलब कह लें कि और ज़्यादा पेन पॉइंट्स हो सकते हैं इनको। तो यही सारी चीज़ों को लेकर मुझे लग रहा है कि थोड़े डेटा पॉइंट्स और चाहिए, या अगर मतलब लिस्टिंग गेन की संभावनाएं इन सारी चीज़ों को देखकर लगता है कम है।
हाँ, आप अगर मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं तो इसमें जो इनको बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं वो ये देख लें कि लंबी से मतलब मध्यम से लंबी अवधि में एक तो ओवरऑल सेक्टर अच्छा कर रहा है अलेक्स जी। तो जब सेक्टर अच्छा कर रहा है तो जो मतलब पीछे वाले भी लोग हैं वो शायद थोड़ा अच्छा करने लगे क्योंकि सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। तो जो क्रेडिट साइकिल जो अपमूव दिख रहा है हमें हो सकता है कि उसका थोड़ा लाभ इनको मिले। और दूसरा जो गवर्नमेंट के एनपीए के ऊपर जो शिकंजा है और जिस तरह से सारी रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसका भी लाभ इस कंपनी को मिलेगा। तो ये दो लाभ जो है ओवरऑल बाय वर्च्यू ऑफ प्रेजेंस इन द सेक्टर कंपनी को मिलता है जिसका कि लाभ इनको मध्यम से लंबी अवधि में हो सकता है। तो अगर आप उस तरह के निवेशक हैं और आपको निचले स्तरों पर मिलता है तो मुझे लगता है कि तब आप कंसिडर करें। लेकिन मैं पर्सनली कहूँगा कि थोड़ा वेट करना चाहिए, कुछ और डेटास का वेट करना चाहिए और उसके बाद ही निवेश करें तो ज्यादा सेफ्टी होगा। उस लाभ के लिए भी हम लिस्टिंग के बाद भी ये वाले निवेश और ये वाली चीजें कर सकते हैं, क्योंकि वो एक जबरदस्ती का एक एक्स्ट्रा रिस्क लेने जैसा दिख रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जहां इतने सारे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, प्लस मार्केट का सेंटिमेंट। सर, मार्केट का सेंटिमेंट कितना विपरीत है इस समय लिस्टिंग के हिसाब से? मार्केट अभी मतलब थोड़ी दिन पहले की अगर बात करें 2 महीने पहले तो काफी ज्यादा विपरीत था और फंड रेज करना काफी मुश्किल था। लेकिन चूंकि अब जो FPI हैं या FIIs हैं थोड़ा पॉजिटिव हुए हैं मार्केट पे और मार्केट से फिर अपनी पुरानी ऊंचाइयों के आसपास यानी स्टोन थ्रो डिस्टेंस के आसपास हम हैं, इसलिए शायद कंपनी को लगा होगा कि मेक अ हे वाइल इट इज सनशाइन और शायद पैसे लेके जा रही है। लेकिन दर्शकों को ये समझना चाहिए कि पैसा आपका है, मेहनत आपकी है, थोड़ा मेहनत और करें, जान लें और अच्छी जगह हो तो लगाएं। एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि लेट्स से कि हम बात कर रहे हैं और ये बढ़ भी जाए शेयर, तो हो सकता है बढ़ने दीजिए, बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं। लेकिन आपने अगर समझा है अच्छी चीजों में पैसे लगाएंगे तो आपको ज्यादा पीस ऑफ माइंड होगा इससे। ठीक है, तो रिस्क ज्यादा है, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, एंड बिटवीन द लाइंस जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं और या नहीं कह रहे हैं उसके बीच में, कि कहीं ना कहीं लगाने से बेहतर है थोड़ा और इंतजार कर लें, थोड़ा और डेटा आने दें, थोड़ी और चीजें आने दें, और एक एक करके जैसे जैसे और नंबर्स और डेटा और सारी चीजें फंडामेंटल्स क्लियर होते जाएंगी, वो ज्यादा बेहतर तरीका होगा, क्योंकि तब वो ज्यादा कैलकुलेटेड रिस्क होगा। अभी थोड़ा कैलकुलेशन में कुछ डेटा कम है और इसके चलते कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अगर कि हमें शायद थोड़ा सा भी फिलहाल इसको स्किप कर देने में कोई खराबी नहीं होगी या कोई बड़ा नुकसान जैसा नहीं होने वाला है। लगता तो नहीं है बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जैसा मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मैनेजमेंट के बारे में जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है उनका PSU पेडिग्री है। तो PSU का मतलब हम लोग किस तरह से देखते हैं लगजी कि मतलब उनमें वो जील नहीं होगा या फिर उनमें वो एपेटाइट नहीं है कि आप प्राइवेट सेक्टर्स में जिस तरह की एपेटाइट होती है ग्रोथ की मतलब ऑल राउंड ग्रोथ राइट लेफ्ट सेंटर सब काम करते हैं, शायद वो चीजें नहीं हों क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है वो PSU से आया हुआ है और PSU की पोजीशन हम देख ही रहे हैं किस तरह से है, बारिंग सम बैंक्स जो कि थोड़े अच्छे कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो है अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और अपने मार्केट शेयर को लूज करते जा रहे हैं और कहना कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ये सारी चीजों को देख कर लगता है कि थोड़ा वेट करना ज्यादा वाजिब होगा। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर की, और फाइनेंशियल सेक्टर में जिस तरीके की होड़, जिस तरीके की रेस है, जिसमें बड़े बड़े वो वाले प्लेयर्स हैं जो कि भले ही सीधा सीधा बैंकिंग में अभी तक रहे हों या वहां से आ नहीं रहे हों, लेकिन अब उल्टा है, अब वो बैंकिंग में एंटर कर रहे हैं, चाहे वो हम पेटीएम की बात करें, चाहे वो हम मोबीक्विक की बात करें, जहाँ डिजिटल की बात हो रही है, जहाँ एप्स की बात हो रही है, जहाँ बहुत रैपिड बहुत सारी चीजें, वहीं एक ये बैंक जिसको 100 साल लग जाते हैं अपना IPO लाने में। सोचना आपको है, डिसाइड आपको करना है कि जहाँ पे इतनी तेज स्पीड चल रही है, जहाँ इतनी बड़ी इतनी स्पीड के साथ में रेस चल रही है, वहाँ पे आपको लगता है कि आपको अपना पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना करना चाहिए, फैसला आपका होगा। लेकिन सारी जानकारी, सारी चीजें, सारे फंडामेंटल, तो सब कुछ हमने आपके सामने रख दिया। बहुत शुक्रिया संतोष सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अलेक्सी, थैंक यू। थैंक यू।